पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने गाय को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर गाय के नाम पर हो रही हिंसाओं को रोकना है तो इसे राष्ट्रीय जानवर घोषित कर देना चाहिए। इससे गाय की खरीदने बेचने पर सभी तरह की रोक लग जाएगी। इससे गाय और इंसान दोनों सुरक्षित रहेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, असम में, झारखंड में, राजस्थान में, यूपी में लोगों को गाय की वजह से कत्ल किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों और दलितों का कत्ल किया गया और मारा पीटा गया। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे गाय का वजूद भी महफूज रहे और देश का वजूद भी महफूज रहे। उन्होंने कहा, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि गाय को कानूनी रूप से सुरक्षित कर दिया जाए, जैसे मोर और कुछ अन्य जानवरों को कानून रूप से संरक्षण दिया गया है। मोर की तरह गाय को भी राष्ट्रीय जानवर घोषित किया जाए। इससे गाय भी महफूज रहेगी और इंसान भी महफूज रहेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि सब राम के वंशज हैं। ये बात सही है, लेकिन वो इस बात को साबित कैसे करेंगे? क्या वो मानेंगे कि दलित भी राम के वंशज हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।